चलो भैया अब हमारी ड्यूटी तो होती है खत्म, हम तो चले अपने रास्ते। कुछ यही हाल दिखा बाराबंकी के बुढ़वल ट्रेन स्टेशन पर, जहां ड्यूटी का समय खत्म होते ही दो ट्रेन के लोको पायलट वही ट्रेन खड़ी करके वहां से चलते बने। जी हां, यह हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है बाराबंकी से, जहां दो पैसेंजर ट्रेनों को खड़ा करके लोको पायलट आराम करने चले गए, जिसकी वजह से परेशान हुए हजारों यात्रियों ने जमकर हंगामा काटा। बता दें कि यूपी के बाराबंकी में बिहार से दिल्ली जा रही छठ पूजा एक्सप्रेस के लोको पायलट ने अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बुढ़वल स्टेशन पर ट्रेन को खड़ा कर दिया और ड्यूटी खत्म होने का हवाला देते हुए संचालन से इनकार कर वहां से चला गया। तो वहीं काफी देर तक ट्रेन रवाना नहीं हुई तो परेशान यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया और गुस्साए यात्रियों ने दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस को रोक दिया। तो पता चला कि इसके भी लोको पायलट की ड्यूटी का समय पूरा हो गया था। फिर काफी जद्दोजहद के बाद अधिकारियों ने दोनों ही ट्रेनों के दूसरे लोको पायलट बुलाकर ट्रेनों को वहां से रवाना कराया। इस दौरान करीब 3.5 घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। गौरतलब है कि करीब 3.5 घंटों तक ट्रेन यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा, तो वहीं ट्रेन ड्राइवर्स की आनाकानी ने बड़ा बखेड़ा भी खड़ा कर दिया। उस वक्त वहां का माहौल किसी अखाड़े से कम नहीं लग रहा था। बहरहाल ये तो माना जा सकता है कि शारीरिक क्षमता और शक्ति की भी अपनी एक सीमा है और सभी को आराम की जरूरत भी होती है और उनका काम भी उन्होंने अपने समय से कर दिया था। हालांकि लोको पायलट्स की ड्यूटी खत्म होने के बाद समय से रेलवे अधिकारियों का अन्य ट्रेन ड्राइवर्स को उपलब्ध ना करा पाना भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरता है कि अपनी ऐसी बड़ी और अहम जिम्मेदारियों से भागना कहां तक सही है। तो फिलहाल के लिए इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।